एडीजी कमेटी कर रही विस्फोट घटना की जांच। आगरा व प्रयागराज से घटना स्थल पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव चित्रकूट के आतिशबाजी शो की तैयारी से पूर्व हुए विस्फोट में 4 बच्चों की मौत का मामला। चित्रकूट पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन भानु भास्कर ने जांच करने आई एडीजी जांच समिति से बातचीत की। उन्होंने बताया कि एडीजी की अध्यक्षता में गठित समिति में मंडलायुक्त व डीआईजी चित्रकूट धाम मंडल बांदा, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, आगरा व प्रयागराज की फॉरेंसिक जाँच टीम की संयुक्त रूप से घटना के सभी बिंदुओं की जाँच कर रही है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि आतिशबाजी शो की तैयारी के पूर्व हुए विस्फोट से 4 की मौत हुई है। टीमें घटना के कारणों की बारीकी से जांच कर रही हैं कि इनमें कौन से लिक्विड इस्तेमाल किया गया है कि उसके कारण इतना बड़ा गड्ढा हो गया। विस्फोट के सभी बिंदुओं की गहनता से जाँच की जा रही है। इसके बाद जल्द ही जाँच रिपोर्ट तैयार कर गठित एडीजी समिति को सौंपी जाएगी। कहा कि विस्फोट मामले जो भी लोग दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। घटना में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत से परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। भानु भास्कर जी हमारे साथ हैं, सरकारी अमलदार कर रहा है, उस विषय पे क्या अपडेट है बात करते हैं सर। किस तरीके का अपडेट आपके पास है? अनुज थोड़ा पीछे हो। अभी हमारे नीचे पूरी टीम है जिसमें हमारे मंडलायुक्त साहब चित्रकूट से चित्रकूट धाम जो बांदा साहब, हमारे डीआईजी साहब, हमारे डीएम साहब और एसपी साहब और साथ में जो फॉरेंसिक टीम जिसको एडीजी टेक्निकल सर्विसेज ने शूट करके भेजा है फ्रॉम प्रयागराज एंड फ्रॉम आगरा। तो एक्सप्लोसिव्स की टीम आई है फ्रॉम आगरा और प्रयागराज से फिजिक्स की टीम के बाद वो सारे एक्सपर्ट्स जो है हमारे आके यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा केमिकल था, किस तरह का विस्फोट हुआ है, कैसे विस्फोट हुआ है, ट्रिगर एजेंट क्या है। तो जितने टेक्निकल फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से था उसको वो देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ये भी देख रहे हैं कि किन्हीं परिस्थितियों में हुआ है और जितने सवाल हम लोगों ने पूछे सब तरीके करके वो जवाब दिए। कमेटी अपने सामने जो है यही सारे बिंदुओं को देखे लेकिन जो विवेचना में डिफर नहीं करे उसको देखे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दें ताकि विवेचना और बाकी विधि कार्रवाई यथासंभव बहुत जल्दी से शुरू हो जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त दंड पाए। सर एक बात है जो लगातार लोगों को उलझा रही है, स्पष्ट तौर पे लोग जानना चाह रहे हैं कि जो प्रयोग होने थे आतिशबाजी के सामान जो यहाँ पे थे क्या वो एक कारण था या कोई टेक्निकल इशू था, इस पर किस तरीके की जांच हो रही है? देखिए इसका जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब मेरे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट आ जाएगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है लगभग 12 आदमी की टीम आई हुई है जिसमें फिजिक्स डिवीजन के भी लोग हैं, एफएसएल लगा है प्रयागराज से और फिर हमारे 2 जगह से और आए हुए हैं। तो उनकी सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही तभी हम बता पाएंगे कि ट्रिगर क्या था। और लेकिन ये भी है कि इतना बड़ी घटना हुई, 4 हमारे बच्चों की जान गई, ये दुखद घटना के कारण से ये हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता में, तो बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष लाने का हम लोग कोशिश करेंगे ताकि जो दोषी है उनको हम लोग दंड दे सकें। धन्यवाद। तो हम श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंक रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।